हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट लाइन गुरु। दोस्तों, आज के प्री मैच एनालिसिस में हम कवर कर रहे हैं वुमेन्स बिग बैश लीग का 47th मैच जो खेला जाएगा सिडनी थंडर्स और मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच मनुका ओवल कैनबेरा में। अब दोस्तों शुरुआत हम करेंगे पिच रिपोर्ट के साथ, जहां मनुका ओवल में 19 T20 फॉर्मेट के मुकाबले खेले जा चुके हैं। 12 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 7 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहता है 169 रन। हाईएस्ट स्कोर है सिडनी थंडर का 219 रन और लोएस्ट स्कोर है ब्रिस्बेन हीट का 125 रन। स्कोरिंग पैटर्न पे आ जाते हैं भाई, 4 बार स्कोर बिलो 150 का रहा है, स्कोर 13 बार रहा है और अबव 190 का स्कोर 2 बार रह चुका है। सो दैट मींस एक हाई एंड स्कोर हमें देखने को यहां पर मिल सकता है, बट कंसिडरिंग बोथ द टीम्स एंड देयर बैटिंग लाइनअप यहां पर थोड़ा मामला बिगड़ता नजर आ सकता है। दोस्तों हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करी जाए तो 15 मुकाबले थंडर्स और रेनिगेट्स के बीच हुए हैं, 9 मैचेस थंडर्स ने जीते हैं तो वहीं 6 मैचेस रेनिगेट्स के नाम रहे हैं। लेकिन यहां पर पिछले 5 मैचेस में रिजल्ट थोड़ा उल्टा नजर आता है, थंडर्स के नाम मात्र 1 मुकाबला है तो वहीं मेलबर्न रेनिगेट्स ने 4 मैचेस अपने नाम करे और इस सीजन का 1 मुकाबला रेनिगेट्स के नाम रहा था। तो ऐसे में देखना होगा दिलचस्प कि क्या सिडनी थंडर्स यहां पर पलटवार करते नजर आ सकते हैं या फिर रेनिगेट्स थंडर को पीछे छोड़ते हुए पॉइंट्स टेबल में थोड़ा ऊपर बढ़ती नजर आएगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थंडर्स की। टेमी ब्यूमाउंट, फीबी लिचफील्ड, एमी जोन्स, रेचल हाइंस, क्लोई टैरन, सेमी जो जॉनसन, टालिया विल्सन, ओलिविया पोर्टर, हैना डार्लिंगटन, लॉरेन स्मिथ और समांथा बेट्स हमें खेलते नजर आ सकते हैं। दोस्तों यहां पर की प्लेयर्स कौन कौन से हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। सेमी जो जॉनसन ने 8 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं, पिछले मैच में डिसेंट प्रदर्शन रहा था। वहीं समांथा बेट्स के हाथ लगे हैं 9 मैचेस में 8 विकेट और ये तो है वो बॉलर जिन्हें आप सिडनी थंडर्स की तरफ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है बैटर्स की। दोस्तों यहां पर बल्लेबाजी टीम की ज्यादा बेहतर नजर आती है। फीबी लिचफील्ड ने 10 मैचेस में 240 रन बनाए हैं, वहीं एमी जोन्स ने 6 मैचेस में 177 रन अपने खाते में जोड़े हैं। रेचल हाइंस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने 9 मैचेस में 189 रन बनाए हैं। अब दोस्तों इनके अलावा एक नाम और सजेस्ट किया जा सकता है, वो है सेमी जो जॉनसन, जो कि पिछले 2 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई है। 60 रन इन्होंने लास्ट 2 मैचेस में अपने नाम किए हैं। तो ये है वो कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कि सिडनी थंडर्स की तरफ से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब पारी आती है मेलबर्न रेनिगेट्स की। दोस्तों हेली मैथ्यूज, शमारिया टापाटू, जोसेफिन ड्यूली, सोफी मेलेनिक्स, कर्टनी वेब, काली लीसन, जॉर्जिया पेस्टविच, सारा कॉयट, एरिका कर्शॉ, शबनम इस्माइल और एला हेवर्ड हमें खेलती नजर आ सकती है। अब इनके बॉलिंग अटैक थोड़ा डिसेंट दिखाई देता है क्योंकि यहां पर सोफी मेलेनिक्स 11 मैचेस में 11 विकेट ले चुकी है, शबनम इस्माइल ने 11 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं। दोनों ही खिलाड़ी पिछले मुकाबले में हालांकि विकेट लेने में सक्सेसफुल नहीं थी बट सिडनी थंडर्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। हेली मैथ्यूज की बात करी जाए तो 12 मैचेस में 8 विकेट और 205 रन है। शी कैन बी द एस प्लेयर फॉर योर ड्रीम 11 टीम। अब बल्लेबाजों की बात अगर हम करें तो यहां पर जोसेफिन डूली नजर आती हैं जो कि लास्ट 2 मैचेस में 64 रन बना चुकी हैं। वहीं कार्ली लीसन ने 11 मैचेस में 202 रन बनाए हैं और कर्टनी वेब ने लास्ट 5 मैचेस में 103 रन अपने नाम किए हैं। तो ये हैं वो खिलाड़ी जो कि मेलबर्न रेनिगेट्स की ओर से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। भाई लोग फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं, ये मैच काटे टक्कर का हो सकता है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के चांसेस जीतने के ज्यादा नजर आ रहे हैं। मेलबर्न रेनिगेट्स ऑलरेडी पिछले 5 मैचेस में आगे बढ़ती नजर आई है और एक बार फिर मैच अपने नाम कर सकती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें।